भरतपुर के सर्किट हाउस में डीक के कसौट गांव के रिटायर्ड सैनिकों ने 51,000 की राशि एकत्रित कर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कलेक्टर नथमल डिडेल को सौंपी। इस दौरान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र और विशाखापट्टनम में हुए हादसे पर शोक जताते हुए उनके परिजनों को दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। वहीं पर्यटन मंत्री ने कलेक्टर से पैदल यात्रा कर रहे यात्रियों की सुध लेने और उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पर्यटन व्यवसाय की खराब हो रही हालत पर कहा कि लॉकडाउन के बाद पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। भरतपुर तो फिर हॉटस्पॉट बना हुआ है, कोरोना वायरस से अपन संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन दिन रात एक लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सभी विभाग के लोग कार्य कर रहे हैं और जितनी सेवा हो सकती है जनता की सेफ्टी के, और चाहे भोजन हो चाहे कोई और चीज हो, उसके बारे में पूरी व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कर्फ्यू एरिया में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा है, जिसके लिए जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग गए हैं, अभी भी लोग पैदल जा रहे हैं।